प्रभु को यह भाया कि वो उसे कुचले। कौन सा बाप अपने बेटे को खुश होगा कुचलते हुए? टेल मी, आपको पता है यीशु के अंदर से ये जीवन के जल की नदियां क्यों बहती थी? क्योंकि वह पिता के द्वारा एवरी डे टूटता था। Welcome you, blessed Holy Spirit. Ab le jao Yeshu ke charanon mein, Pavitra Atma, sirf tere liye, Yeshu tere liye, sirf tere liye, Yeshu tere liye, ho ho, tere liye, Yeshu tere liye. घुटने टिका कर सर झुका कर उठाता मैं तेरे लिए घुटने टिका कर घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता मैं तेरे लिए सिर्फ तेरे We praise you, Lord. Aapki stuti ho, Prabhu. हम पर रहे तेरी करुणा तन मन धन हमारा तेरा है इस शैतान को छूने न देना हम है तेरे हाथों की तेरे हाथों की रचना रचना पर रहे तेरी करुणा तन मन धन हमारा तेरा है इस शैतान को छूने न देना आहा ले Lord Jesus. आइए अपने आवाजों को उठाएं ले वो आपके बहुत करीब है इतना करीब कि आप उसे हालेलुया आमीन
किनारा धीरज को हमारे बढ़ाना जीवन की हमारी इस नैया को बब सागर में खोने न देना अब दूर नहीं है अब दूर नहीं है किनारा धीरज को हमारे बढ़ाना जीवन की हमारी इस नैया को बब सागर में खोने न देना के नाम को धन्यवाद दें Come on, raise your voice and praise him. आइए अपना मुंह खोलिए उसकी बड़ाई करें उसे धन्यवाद दें हे तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं 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 ए खुदावन तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं ए खुदावन Yeshua आज मैं अपने फेवरेट टॉपिक पे प्रीच कर रहा हूँ और हमेशा से ही मैंने प्रभु से हमेशा इस टॉपिक पे वर्ड मांगा है और आज का टॉपिक है पवित्र आत्मा इससे पहले कि हम आज की मीटिंग की शुरुआत करें यह लाइन जो हमेशा मैं दोहराता हूँ मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा ताकि ये आपके अंदर और जड़ पकड़े याद रखिएगा पुराने नियम में आप एक वर्ड पढ़ते हो और वो वर्ड है यहोवा पढ़ा है सबने पढ़ा है लगभग वंस नए नियम के अंदर पूरे न्यू टेस्टमेंट में एक मिरेकल आपने ये देखा है
यहोवा नाम ही नहीं है, अब वहां पर एक नाम आया है, यीशु। आपको ये बात जाननी है कि पुराने नियम में लोगों ने यहोवा परमेश्वर की बात नहीं मानी, और उसके बाद नए नियम में लोगों ने यीशु मसीह की बात भी नहीं मानी। और सच ये है कि आज का युग पवित्र आत्मा की बात नहीं मानता है, इट्स क्रिस्टल क्लियर। कई बार आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा आपको कुछ बोल रहा है, एक प्रभु में आप बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, एक साइन ये भी है कि आप कितना क्लियरली उसे सुनते हैं। बाइबल की अंतिम किताब है यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, वहां पर एक लाइन लिखी गई है, मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोगों ने उस लाइन पे ऑब्जर्व किया है। हिंदी में लिखा गया है कि मैंने प्रभु की आवाज तुरई के समान सुनी। अब आप मुझे बताइए, अगर यहां पर दिनेश आए और एक तुरई बजाए और आप में से कोई भाई बहन ये कहता है हमको सुनाई नहीं दिया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं तुरई में प्रॉब्लम है कि आपके कान में प्रॉब्लम है? हाँ जी, तो मुझे एक बात बताइए, प्रभु ने पहले अध्याय में उत्पत्ति में यह दिखाया है कि मैंने 6 के 6 दिन बात की थी, लेकिन अगर इंसान नहीं सुन रहा है तो बताओ प्रभु में प्रॉब्लम है कि इंसान में प्रॉब्लम है? इंसान में प्रॉब्लम है। इंग्लिश में बहुत ब्यूटीफुल लिखा है आई हेयर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड लाइक अ ट्रम्पेट। आप सोचो यूहन्ना प्रभु के साथ चल चल के इतना वो प्रभु के करीब चला गया था कि अब उसे प्रभु की आवाज इतनी क्लियर और इतनी लंबी इतनी बड़ी सुनाई दे रही थी। समझ रहे हैं मेरी बातों को? वहां लिखा गया है आई हेयर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड लाइक अ ट्रम्पेट। और आज मैं आपको जो बातें बताना चाहता हूं, अगर आप सच में एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कई बार हाथ उठाने वालों में भी डिजायर नहीं होती है, वो जस्ट हाथ उठा लेते हैं कि यार छोड़ो बाजू वाला क्या बोलेगा, मैं बिल्कुल शारीरिक हूं। तो प्लीज आप ईमानदार बनिए, सबसे पहले याद रखिए इसराइल याकूब को बनाया गया था, तो जब तक अपना याकूब बाहर नहीं निकालेंगे तो खुदा हमें इसराइल भी नहीं कहने वाला है, ठीक है? तो आज का जो वर्ड है विशेष उन लोगों के लिए है, और मेरी तो ये प्रार्थना है कि जो लोग पवित्र आत्मा से भरने की डिजायर खो चुके हैं आज प्रभु ने वापस दे, आमीन। मेरी आज प्रेयर है, मैं जानता हूं आज मीटिंग से पहले मैंने यही प्रेयर की है कि प्रभु जो लोग 10 मिनट की बाइबल स्टडी 10 मिनट के प्रेयर में हफ्ते में 2 बार चर्च आने में इतने खुश लगे पड़े हैं, इससे ज्यादा उनको आगे नहीं चाहिए, तो प्लीज प्रभु आज थोड़ी उनकी हदों को बढ़ा। आप जानते हैं याजकल के अंदर परमेश्वर के मंदिर की मेजरमेंट लिखी गई है, आपने पढ़ा होगा नोहा बोलता है मेरा हाथ मेरा जहाज 600 हाथ का था। आज प्रेयर करो कि खुदा आपकी बाउंड्रीज को बढ़ाए। अगर आप सेट हो चुके हैं ना, बस मेरा अभी बहुत सारी बातें मैं बहुत सारी बातों में ठीक हो चुका हूं, आज प्रेयर करो प्रभु से कि प्रभु आज मेरे अंदर कुछ ऐसा डाल के यहां से जाने के बाद मैं चुप न रहूं, मैं तुझसे बात करता रहूं, ठीक है? आज मैं आपके लिए प्रेयर नहीं कर रहा हूं, मैं आपको आज सिर्फ कुछ सेकंड्स दे रहा हूं, लगभग 30 सेकंड्स दे रहा हूं। आप अपने लिए खुद बात करो प्रभु से और कहो आज जो ये भाई यहां से बता रहा है ना वो मुझे समझ में आए, क्योंकि मुझे डर है कि आज का वचन बहुतों को समझ में ना आए, ऐसा मुझे डर है। तो मेरी ये विनती है, अगर आपको अभी भी किसको देखना है यहाँ वहाँ तो अभी आप देख लो, क्योंकि मीटिंग के में अगर देखोगे तो फिर आपका वर्ड समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि जब वचन चले तो आप कॉन्सेंट्रेट करें, और मेरी रिक्वेस्ट है ये जो दोनों बोर्ड लिखे हुए हैं इनको पढ़ लीजिए, चलते हुए मीटिंग में चिटचैट करना अलाउ नहीं है। प्लीज़ रिस्पेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, प्रभु की उपस्थिति को इज्जत दीजिए। आप यहां पर मोबाइल चलाने के लिए नहीं आते हैं, आप यहां पर प्रभु का वचन सुनने आते हैं, ठीक है? यू मस्ट अंडरस्टैंड, नहीं तो आपको नहीं पता है आप क्या गवा सकते हो आज। आप सोचो मैं इतना वर्ड स्टार्ट करने से पहले इतना बेस बना रहा हूं, कुछ तो होगा हाँ? अगर आप आज से 2019 साल पहले इज़राइल में रहते और आप यीशु मसीह को देखते जो कारपेंटरी कर रहा था, लकड़ी काट रहा था, आप उससे बोलते ना प्रभु आप क्या कर रहे हो, जानते हो क्या बोलता? इट्स नॉट अ वर्क, इट्स अ प्रिपरेशन फॉर मिनिस्ट्री, ये सेवकाई की तैयारी है। तो आज प्लीज मैं विश्वास करता हूं कि राजा का भोज तैयार है, कितने लोग खाने के लिए रेडी है? आमीन।
आइए मैं आपको 30 सेकंड्स दे रहा हूं, अपने लिए सीरियसली प्रेयर करो और आज प्रभु को बोलो जो भी होगा मैं उसे ईमानदारी से एक्सेप्ट करूंगा. कम ऑन प्रे. Amen. Amen. जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता रहा हूं पहले मैं. यीशु मसीह ने अपने मरने से लगभग लास्ट वीक ऑलमोस्ट उसने हर बार पवित्र आत्मा के बारे में बातें की थी. इससे पहले आप देखोगे ना, यीशु मसीह ने कभी भी पवित्र आत्मा के लिए इतना खुल के बात नहीं की. ट्रिनिटी के जो ये जो बाइबल में त्रयता का जो ये तीसरा व्यक्ति है पवित्र आत्मा, आप जानते हो जब आप बाइबल पढ़ना स्टार्ट करते हो, यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में अपने पहले के सालों में अधिकतर पापियों के प्रति प्रेम, दृष्टांत और चमत्कारों के प्रचार किया. लेकिन जब वो मरने पर था, उसने मरने से लगभग एक हफ्ता पहले बहुत हद तक उसने एक ही विषय पर उनको बातें बताई और वो था पवित्र आत्मा. अब मेरा ये सवाल है कि क्यों प्रभु ने अपने मरने से एक वीक पहले इतना ज्यादा उनको पवित्र आत्मा के लिए बताया. 14, 15, 16 यहुन्ना का तो पूरा पवित्र आत्मा से ही भरा हुआ है. आप जानते हो जीसस क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं जा रहा हूं और मेरी प्लेस पे वो आ रहा है. दैट इज व्हाई ही प्रीच. वो समझा रहा था मैं जा रहा हूं. और आपको पता है जब उसने कहा मैं जा रहा हूं, 14 अध्याय में वो चेलों को कहता है कि तुम व्याकुल न हो. जब उन्होंने ये सुना था ना कि वो जा रहा है, वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे थे, पर उनको कह रहा था डरो मत, व्याकुल मत हो जाओ, मेरी तरह ही वो बिल्कुल मेरी तरह है वो तुम्हारे पास आने वाला है. और आज का प्रॉब्लम ये है, आज के बहुत सारे लोगों के पास उस त्रिकता का जो तीसरा व्यक्ति है, कई लोग उसे समझते हैं वो एक कबूतर की तरह है, कई लोग समझते हैं वो एक दाखरस है, कई लोग कहते हैं ये सब उसकी पिक्चर्स हैं. लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं वो बिल्कुल आपकी तरह एक व्यक्ति है जो आपके साथ रहता है, आपसे बातें करता है, आपको डायरेक्ट करता है, आपको बताता है क्या करना है. लेकिन आज प्रॉब्लम ये है बहुत सारे लोग उसको नहीं सुनते हैं. और मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा. आप जानते हो कितना सामर्थ्य है. लाल समुद्र जब दो भाग हुआ, तब जानते हैं इस लाल समुद्र के दो भाग होने पे प्रभु ने इसको वापस कैसे बना दिया. लिखा है प्रभु ने एक पवन चलाई. दिस इज होली स्पिरिट, ये पवित्र आत्मा है. आप जानते हो कई लोग क्या सोचते हैं. सब यहां देखिए, आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मसीह लोग वचन से नहीं फीलिंग से जीते. एक चर्च में जाएंगे और वहां पर खड़े हो जाएंगे, आराधना करेंगे, जैसे उनके बदन में उनके बाल खड़े हो जाते हैं ना, उनको लगता है देखो मुझे प्रभु छू रहा है. या कई बार उनको अपने बदन में कुछ फील करते हैं ना, उनको क्या लगता है ये परमेश्वर का टच है. मैं आपको बताना चाहता हूं फीलिंग्स में मत जाओ. बाइबल ऐसा बताती है शाऊल के लिए, जब पवित्र आत्मा उतरेगा तब तेरे बाल नहीं खड़े होंगे, ना तू गिर जाएगा. बाइबल बताती है तू बदल कर और ही मनुष्य हो जाएगा. याद रखना, जब पवित्र आत्मा एक आदमी को छूता है, जब पवित्र आत्मा एक आदमी को भरता है, वो क्या महसूस कर रहा है ये मायने नहीं रखता. याद रखना वह आदमी बदल कर और ही मनुष्य हो जाता है. इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि आज शैतान ने इस विषय में क्रिश्चियनिटी के अंदर, मसीहत के अंदर इतनी कंफ्यूजन पैदा की है. कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, लेकिन हमें यह बात जाननी है कि बाइबल क्या कहती है उसके बारे में, वचन क्या कहता है. ठीक है, आप में से कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं. ठीक है, मैं आपको बताऊंगा पवित्र आत्मा से भरने का कॉस्ट क्या है. बोलो कॉस्ट. हाँ, याद रखना उधार फ्री में है, सेल्वेशन फ्री में है. बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए कम हैं. ये वर्ड भी थोड़ा डिफरेंट है. उधार के लिए सबको बुलाया गया है, सेवकाई के लिए सबको बुलाया नहीं गया है.
काश आप इस बात को समझ पाए। एक आदमी ने मेरे सामने प्रचार किया, जो पहले हैं वे पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। आपको क्या लगता है इसका मतलब क्या है? मैं जानता हूं मैं थोड़ा ट्रैक से बाहर आया हूं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों आज प्रभु ने बोला ये वर्ड क्लियर कर। समझो मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं। मयूर भी यहां बैठा है, दिनू भी यहां बैठा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, समझो ये दोनों सगे भाई हैं और इनकी इनकी मां ये चाहती है, दिनेश है ना वो पांचवी में 5 बार फेल हो और मयूर जो है ना वो टीवाई तक पहुंचे। कोई मां ऐसे सोचेगी? आपको पता है कई लोग मसीह लोग जो पीछे हो जाते हैं ना, तो उनको है ना एक बहाना मिल जाता है। आप उनको बोलोगे ना आप तो पीछे हो गए हो, बोलेंगे लिखा है ना पहले पिछले पिछले पहले होंगे। एक नंबर, क्या बोलूं, कितना मस्त, अपने सुस्ती को सुस्ती में बने रहने का एक मस्त बहाना मिल गया। आप मुझे बताओ परमेश्वर जो इंसान नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा एक कम पढ़े एक ज्यादा पढ़े, खुदा ये चाहेगा कि उसका एक बच्चा वरदानों में चले और दूसरा बच्चा सूखा पड़ा? आप जानते हो ये वचन किस बारे में है? मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोग जो आपको आत्मिक दिखते हैं ना, कई लोग आत्मिक नहीं होते हैं लेकिन दिखते हैं, न्याय के दिन आप इनको सबसे पीछे देखोगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यहां पर कभी नहीं आए थे, चुपचाप से नीचे बैठे रहते थे, कभी ऊपर नहीं आते थे, आप उनको बहुत आगे देखोगे। जो पहले हैं वे पिछले होंगे, जो पिछले हैं। काश आप इस ब्यूटीफुल स्टोरी को समझ पाओ। जब बड़ा छोटा बेटा वापस आया तो क्या हुआ? गुबरा पुत्र की स्टोरी आपने पढ़ी है ना, सब कुछ लेकर छोटा बेटा चला गया। आपको पता है इस स्टोरी का सबसे ब्यूटीफुल पोर्शन क्या है? लिखा है बड़ा अंदर था छोटा बाहर था, अंत में छोटा अंदर है बड़ा बाहर है। Do you know? और मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपने बाइबल में ना उड़ाऊ पुत्र के यहां पर मिटाकर मैंने ऐसा लिखा है, वहां पर बेचारा खोया हुआ बाप सबको मनाता रहता है। कभी आपने खुदा की क्वालिटी देखी है? बेचारा पहले उसको मनाता है, अरे यार क्यों नाराज हो रहा है, फिर उसको मनाता है। कभी आपने देखा है आप लोगों की वजह से ठोकर खा के चर्च नहीं आते हो, इसने ऐसा किया और वो एक भाई के थ्रू आपके पास आता है, अरे यार उसने ठोकर, मैंने क्या किया, उसने किया ना, मैंने क्या किया यार। इसलिए पौलुस कहता है वह परमेश्वर ही है जो हमारे द्वारा मनुष्यों से विनतियां करता है कि आओ मसीह से मिल मिलाप करो। मेरे भाइयों और बहनों, जब आपको कोई कहता है ना चर्च में आओ, ये इंसान नहीं है, ये परमेश्वर है जो आपको बुला रहा है। सो प्लीज हाइड इन गॉड, डोंट हाइड फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से मत छुपो। दाऊद कहता है परमेश्वर में छुपो। ठीक है, आइए हम एक वर्ड पढ़ेंगे और मैं बिलीव करता हूं आज खुदावन आपसे बात करेंगे। जिनके पास भी बाइबल है, नया ऐदनामा नया नियम, आप मेरे साथ खोल सकते हैं यूहन्ना की पुस्तक, द बुक ऑफ जॉन। आइए सब ओपन करेंगे यूहन्ना का 7वां अध्याय। कोई मेरे साथ जोर से पढ़िए 7:37। रीड लाउडली। एक मिनट, सबने खोल लिया? डोंट वरी, मैं 15 मिनट और रुकूंगा। जिसको नहीं मिला खोलिए। और भैया आपके पास इंग्लिश है ना? हाँ, जॉन चैप्टर 7। हाँ कोई पढ़िए 7:37, जोर से पढ़िए हिंदी में। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, बोलो यीशु खड़ा हुआ, पुकार कर कहा, बोलो पुकारा, बात नहीं की, पुकारा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। आगे, यदि कोई पैसा हो तो मेरे पास आए और पिए। बस, कोई भाई पढ़िए जोर से। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो, इफ एनीवन इज थर्स्टी, तो मेरे पास आकर पिए, मुझ में से पिए। ब्रदर आप इंग्लिश में पढ़िए जोर से। ऑन द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, प्रेज द लॉर्ड, ग्रेट ट्रांसलेशन। हाँ पढ़िए।
फेस्टिवल. जीसस स्टूड अप हां एंड सेड इन अ लाउड वॉइस हूएवर इज थर्स्टी या शुड कम टू मी एंड ड्रिंक. ओके, मैं तीन गिनूंगा, हम सब अपने अपने बाइबल में इसे जोर से पढ़ेंगे. 1 2 3 इससे पहले कि उसकी क्रूस पे मौत हो, उसने पहले उसने वादा किया कि वो मनुष्य को एक ऐसी जिंदगी देना चाहता है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो. अब देखो यहां पर क्या हो रहा है. पर्व के अंतिम दिन, उन दिनों में यहूदियों का एक फेस्टिवल था और बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है कि यीशु खड़ा हुआ और उसे जोर से पुकारा, हर एक को उसने इन्वाइट किया क्योंकि वो चाहता था कि हर व्यक्ति, आप जानते हो जब यीशु निकुदमिस से मिला तो वो क्या कहता है वहां पर, जब तक तुम जल और आत्मा से जन्म न लो तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश. सबसे पहले यीशु ने कहा पवित्र आत्मा को पाओ. उसके बाद यीशु सामरी स्त्री से मिला और कहता है सुनो तुम्हारे अंदर से झरना बह उठेगा. अब उसकी बातें झरने पर आ गई, पर अपनी तीसरी लेवल में वहां पर ये वो बता रहा है कि पर्व के दिन वो खड़ा हुआ और उसने कहा अब झरना नहीं, अब नदी बहनी चाहिए. मैं बिलीव करता हूं ये एक अकेला पैसेज है जो चर्च को इनकरेज करता है, यू मस्ट फिल्ड विथ होली स्पिरिट. आइए मैं शुरू कर रहा हूं. मैं चाहता हूं आप सब अब ध्यान दीजिए. बाइबल ऐसा बताती है एक समय आया जब यीशु ने यह बात ठानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, और जब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था तो वचन कहता है वह एक ऐसी जगह पर ठहर गया जिस जगह का नाम था सामरी. बोलिए सामरी. सामरी के अंदर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुखार, और उस गांव के अंदर एक कुआं था जहां पर हर व्यक्ति सुबह में वहां से जल भरने के लिए आते थे. लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु वहां से दोपहर में गुजरा, सुबह में नहीं. जब यीशु वहां से गुजर रहा था दोपहर में, वहां पर एक लेडी आई जो 5 शादियां कर चुकी थी और छठवें के साथ बगैर शादी के रह रही थी, जिसको बहुत फेमस लेडी है बाइबल में, सैमरियन वुमेन. और जैसे वो यीशु के पास आई, आप जानते हो दोपहर में पानी भरने का रीजन क्या है, इस लेडी का नाम इतना स्पॉइल था कि ये मॉर्निंग में सबके सामने पानी भरने आ ही नहीं सकती थी. अगर ये सामने आती भी थी ना तो हमेशा ये किसी से नजर नहीं मिला पाती, क्योंकि इसने अपने पास्ट में बहुत कुछ ऐसा किया था जिसको हमेशा वो कवर अप करना चाहती थी, इसीलिए वो आफ्टरनून में पानी भरने आती थी. आप जानते हैं अधिकतर गांवों में पानी औरतें मॉर्निंग में ही भर के जाती हैं, लेकिन ये स्त्री दोपहर में वहां पर गई. अब आप देखो एक ऐसी स्त्री जो 5 पति कर चुकी है और छठवें के साथ बगैर शादी के, जिसकी आज की लैंग्वेज में कहते हैं लिविंग रिलेशनशिप, ये अभी से नहीं है, ये पहले से था कि लोग उन दिनों में भी बगैर शादियों के रहते थे साथ में. सोचो क्या बचा हमारे लिए कि अगर आज ये बातें भी हो रही हैं कि इंसान बगैर शादी के एक साथ रहते हैं. आप जानते हो जैसे यीशु उससे मिला, यीशु उसे एक बात कहता है, मुझे पानी पिला. और जानते हो ये स्त्री यीशु को क्या बोलती है, बोलती है सुन मैं सामरी हूं, तू यहूदी है, हमारा आपस में कोई नाता नहीं है. कितनी बड़ी बात है कि वो जानती थी कि ये लोग हमसे कोई रिलेशनशिप नहीं रखेंगे. और उसके बाद जानते हो यीशु से बातें करता है, तब ये औरत अपने शास्त्रों की बातें बताती है उसको. और जानते हो ये क्या बोलती है, बोलती है सुन हमको पता है मसीह आने वाला है, हमको बताया गया है. और जानते हो यीशु क्या कह रहा है, जो तुझसे बातें कर रहा है वो मैं हूं. जिसके लिए तू पढ़ती आई हुई है ना, वो मैं हूं जिसके लिए तू पढ़ती आई है. अब सुनिए जैसे यीशु ने ये बातें की, तब यीशु उसको बोलता है सुन अगर तू मुझे जानती तो तू मुझसे एक चीज मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता. आपको पता है जब व्यक्ति, एक इंसान परमेश्वर को जानना स्टार्ट करता है उसका साइन क्या है. 17:3 यूहन्ना में लिखा गया है कि परमेश्वर अनंत जीवन यह है कि हम परमेश्वर को जाने. और यीशु यहां पर कहता है अगर तू मुझे जानती तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता. याद रखना एक व्यक्ति जब खुदा को जानना शुरू करता है ना, वो हर बार पवित्र आत्मा मांगेगा प्रभु से. वो कहेगा प्रभु जब तक तू मुझे नहीं भरेगा ना, मैं याकूब की तरह तेरा पैर छोड़ूंगा नहीं.
आज अगर कलीसिया प्रभु से पवित्र आत्मा की मांग नहीं करती, यह बात साफ है कि बाइबल सिर्फ वो बाइबल पढ़ रहे हैं, पर वो बाइबल में जिसके लिए लिखा है वो उसे नहीं जानते। मैं आपको 101 लोग दिखा सकता हूं जो बाइबल जानते हैं, उनका खुदा के साथ कोई संबंध नहीं है, वो केमिस्ट्री की तरह किताब पढ़ते हैं। आप सोचो, आप एक बड़े आदमी से मिलो और आप उसको बोलो आपका ये नाम है, आप इस गांव में पैदा हुए, आपके पास ये डिग्री है, आपके पास ये पोजीशन है, आप इतना कमाते हो, उसको सब कुछ बता दो, लास्ट में वो आपको ये कह सकता है सब बराबर है, लेकिन तू है कौन? आज बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, हमने बाइबल पढ़ ली है ना हम परमेश्वर को जानते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखना, बाइबल तुम्हें तैयार करती है खुदा के साथ संबंध रखने में। और अगर तुम्हारा खुदा के साथ संबंध नहीं है तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हें बाइबल फरीसी बना रही है। इसी बाइबल को पढ़ने वालों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया था, क्योंकि वो उसे नहीं जानते थे, वो सिर्फ एक किताब को जानते थे। आप जानते हो यीशु क्या कहता है, यह पवित्र शास्त्र मेरे विषय में गवाही देता है, यह पवित्र शास्त्र तुम्हें मेरे पास भेजता है। याद रखना, ये देखिए, ये बाइबल है, ये बाइबल मुझे उसके साथ ड्राइव करती है, ये बाइबल मुझे उसके साथ संबंध रखना सिखाती है। और यीशु वहां पर कहता है, अगर तू मुझे जानती तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जल देता। अब स्त्री को कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही है। एक बार यीशु ने कहा, जो कोई मेरा मांस न खाए लहू न पिए, वो सोच रहे थे यार पुराने नियम में तो लिखा गया है कि टच भी नहीं करना है, ये कहता है हमारा लहू पियो, ये झूठा है, लोगों ने उसे नकार दिया। एक जगह पे यीशु ने कहा खमीर न खाओ, उनको लगा कि यार ये क्या बोल रहा है। अधिकतर इवन निकोदिमस जैसा आदमी भी यीशु को कहता है, अगर एक आदमी मर जाए तो वापस अपनी मां के पेट में कैसे जा सकता है। अब ये स्त्री आई है, ये यीशु को कहती है, एक काम करती हूं मैं घर से कुछ लेकर आती हूं ताकि तू मुझे पानी दे सके। तब यीशु उसको कहता है, सुन, यदि तू मुझे जानती तो तेरे अंदर से जीवन के जल की जो नदी है, जो उमड़ता जल है, वो तुझे बहता। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दीजिए, इट्स वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। यीशु मसीह यहां पर एक स्त्री से पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा है, वो उसको कह रहा है यदि तू मुझे जानती तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे पवित्र आत्मा देता और वो झरना बन के तेरे अंदर से बहता। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, ये प्रतिज्ञा यहां पर लिखी गई है कि तुम्हारे एक विश्वासी के जिंदगी में ये नदी, ये जल, ये उमड़ता हुआ झरना बहना चाहिए। पर आपने कभी ये सवाल पूछा प्रभु से, प्रभु ये लिखी हुई प्रतिज्ञा मेरे जिंदगी में सच क्यों नहीं हुई है? क्यों मुझे ऐसा फील होता है कि मैं हेडपंप मारता रहता हूं सारा दिन और एक ड्रॉप नहीं निकलता है, जबकि तू नदियों की बात करता है? मैंने सालों तक खुदा से ये सवाल पूछा, प्रभु ये प्रतिज्ञा मेरे जिंदगी में क्यों पूरी नहीं हो रही है, क्यों मैं ये अनुभव नहीं कर पाता हूं कि मेरे अंदर से जीवन के जल की नदियां बह के दूसरों को पिला रही है। और मुझे परमेश्वर ने एक साफ और सुंदर उत्तर दिया, और ये मुझे उत्तर बाइबल में से मिला। मुझे एक बात बताइए, एक समय आया, बाइबल बताती है, जब इज़राइल के लोग मिस्र से निकल के कनान जा रहे थे, और इनका झगड़ा मूसा से और प्रभु से दो चीजों पर था, पानी पर और खाने पर। हर बार ये प्रभु से यही कहते थे, हमारे पास खाना नहीं है, हमारे पास पीने के लिए नहीं है। और जानते हो एक दिन क्या हुआ? बाइबल ऐसा बताती है, प्रभु ने उन्हें चट्टान में से पानी दिया। बोलो, चट्टान में से पानी दिया। मेरे भाइयों और बहनों, सच बताइए, आज इस बात को महसूस कीजिए, बाइबल बताती है पानी चट्टान में से निकला है, पत्थर में से निकला है। बाइबल बताती है मैं इज़राइल के घराने के साथ एक वाचा बांधूंगा, मैं उनके अंदर से पत्थर का दिल निकाल के उन्हें मांस का हृदय दूंगा। जब तक आप प्रभु को यह न कहोगे कि इस पत्थर को तोड़, तब तक जल नहीं आएगा। हम लोग गलत जगह पे आ गए हैं, हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं इन दिनों में। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, पानी चट्टान में से निकाला गया। बाइबल बताती है मैं तुम्हारे साथ एक वाचा बांधूंगा, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का दिल निकाल के तुम्हें मांस का हृदय दूंगा और उसी हृदय में से जल निकलेगा। आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो प्रभु से कहते हैं इस पत्थर के हृदय को तोड़? जानते हो, मरने से एक रात पहले यीशु मसीह ने अपने हाथ में रोटी ली, उसने ये नहीं कहा कि यह वह रोटी है जो कल तोड़ी जाएगी। क्रूस पे मरने से पहले उसने कहा मैं वह हूं जो तोड़ा गया हूं। यीशु ने यह नहीं कहा यह
वह रोटी है जो कल सुबह टूटने वाली है। आप में से कितने लोगों ने बाइबल में यह वचन ऑब्जर्व किया है पढ़ते समय कि यीशु ने क्या ऐसा कहा, मरने से एक रात पहले उसने अपने हाथ में रोटी ली, क्या उसने ऐसा कहा यह वह रोटी है जो कल टूटने वाली है? आपको पता है कितने लोगों ने यशाया में यह वचन पढ़ा है, प्रभु को यह भाया कि वो उसे कुचले। कौन सा बाप अपने बेटे को खुश होगा कुचलते हुए? टेल मी, आपको पता है यीशु के अंदर से यह जीवन के जल की नदियां क्यों बहती थी? क्योंकि वह पिता के द्वारा एवरी डे टूटता था। टूटने का मतलब जानते हैं क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेकिंग? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप में से यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं ना, जिनको यह महसूस होता है कि आपके अंदर जल क्या एक ड्रॉप भी नहीं है, उसका कारण यह है क्योंकि तुमने आज तक खुदा को यह नहीं कहा है, मुझे तोड़, मेरे हृदय को जो पत्थर है उसे तोड़ ताकि उसके अंदर से वो नदी बहे। आप जानते हो जब परमेश्वर कहता है टूटना, टूटने का मतलब क्या होता है? अधिकतर लोगों को लगता है टूटने का मतलब होता है प्रभु गरीबी में लेके जाएगा, बीमारी में लेके जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, क्या परमेश्वर को कोई और तरीका नहीं है तोड़ने का जो आपको इस तरह तोड़ेगा? याद रखना टूटना क्या होता है, इस बात को याद रखो, जो तुम चाहते हो वो न हो इसे टूटना कहते हैं। That is a brokenness. कभी आपने यीशु मसीह को देखा 3 घंटे गस्मनी में उसका स्ट्रगल, मैं चाहता हूं ये प्याला हटा पर तेरी इच्छा पूरी हो। क्या चाहता था वो और क्या मांग रहा था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लास्ट टाइम आपने कब ये प्रेयर की थी, प्रभु ये काम मुझे बहुत पसंद है पर मैं जानता हूं ये काम आपको पसंद नहीं है, मैं चाहता हूं आप अपनी इच्छा पूरी करो। और जब परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करता है तो आपको तकलीफ होती है, उससे कहता है टूटना और ऐसों के अंदर से ही जीवन के जल की नदियां बहेंगी। लेकिन अगर आप प्रभु से प्रार्थना करते हो, खुदा मैं विनती करता हूं ये नदियां मुझसे बहने दे, मुझे भर, और उठने के बाद 2-4 को गाली देते हो, अरे 5 साल क्या 50 साल प्रार्थना करना, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। सच्चाई सच्चाई है, यूट्यूब पे डिसलाइक करो, कमेंट्स लिखो, क्या करो, कुछ भी करो, नकार दो, यहां से जाने के बाद उल्टी सीधी बातें करो, सच्चाई तो सच्चाई रहेगी, तुम नहीं बदल पाओगे उससे। एक स्त्री जो यीशु से मिलती है, यीशु उससे उसको एक प्रतिज्ञा देता है कि एक जीवन है जिसके अंदर तुम्हारे अंदर से वो नदी बहनी चाहिए। बहुत सारे लोग एक वचन को पढ़ के बंद कर देते हैं पर वो खुदा को नहीं बोलते कि इसका मतलब क्या है, मुझे बता। आज मैं मॉर्निंग में ये वर्ड पढ़ रहा था बैठ के और प्रभु मुझे कह रहा था, कितने कलीसिया में तेरे कितने लोग हैं, तेरे चर्च में कितने लोग हैं, दूसरों की कलीसिया छोड़ दे, तेरी कलीसिया में कितने लोग हैं ऐसे जिनके अंदर से ये नदी बहती है। आपको पता है ये नदी कहां से आती है? प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में यूहन्ना कहता है मैंने प्रभु के सिंहासन से नदी बहते हुए देखी है। ये नदी वहां से आती है उन लोगों के अंदर जो टूटने को तैयार हैं और उनके द्वारा दूसरों तक जाती है। कितने लोग हैं जो सच में पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो प्रभु से ये कहते हैं, प्रभु मैं भरना चाहता हूं पर उससे पहले मैं ये कहता हूं मैं टूटने के लिए भी तैयार हूं, आई एम रेडी टू बी ब्रोकन। अब मैं आपको बताऊं टूटते कैसे, हमारे पास 5 मिनट है। एक्चुअली टॉपिक तो इतना बड़ा है 20 मिनट चाहिए, लेकिन चलो मैं जल्दी पूरा करूंगा। लिसन, एक टूटा हुआ आदमी, एक मरा हुआ आदमी क्या होता है? मैंने बहुत बार एग्जाम्पल दिया है, फिर से देता हूं। एक आंटी का हस्बैंड मर गया, उसको उन्होंने गाड़ दिया। हर महीने वो एक दिन उसकी कब्र पे फूल, टोकरा और उसकी कब्र पे झाड़ू मारने के लिए जरूर जाती थी। 6 महीने तक वो कंटिन्यू गई, 7वें महीने वो भूल गई वहां जाना। 8वें महीने जब वो गई तो अंदर से आवाज आई, किधर थी तू, 1 महीना नहीं आई थी, आएगी आवाज कंचू? कितने लोग बोल रहे हैं आवाज आएगी, क्यों नहीं आएगी? हाँ, समझ गए मरना क्या होता है? जब दूसरा चिल्ला रहा है कितने लोग हैं उस टाइम पे चुप रहेंगे?
माति बुद्धान, टेल मी, तुम टूटे हुए तो नहीं हो, मेरे को लगता है डेविल तुमको यूज कर रहा है दूसरों को तोड़ने के लिए। जो लोग ऐसे हैं ना, जो मुंह पे सुनाने की ताकत रखते हैं, अरे तुम मजबूत नहीं हो, तुम डरपोक हो, तुम्हें सुनने की ताकत नहीं है ना, तो मैं तुमको बोल देता हूं तुम मजबूत नहीं हो। मजबूत आदमी चुप रहता है, कमजोर आदमी बोल उठता है। जानते हो, एक लास्ट बात बता के मैं फिनिश कर रहा हूं। सब यहां पर देखिए, मुझे लगता है कि मुझे ये रिवाइंड करना चाहिए एक बार, ताकि आपके जहन में ये बात बैठे। सुनिए, पुराने नियम के अंदर जब एक इंसान से पाप होता था, तब वह बाजार से एक बलिदान लेके याजक के पास जाते थे। याजक उस बलिदान को चेक करने के बाद उसे काटता था, उसका ब्लड एक उसी पापी पर लगा के, उसके ऊपर ऑयल लगा के, उसके सर पे हाथ रख के कहते थे, तू अब शुद्ध हो चुका है। आपको पता है, बाइबल के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि पहले ऑयल लगे बाद में ब्लड लगे, पर हमेशा पहले खून बाद में ऑयल। खून दर्शाता है जीसस के सैक्रिफाइस को, ऑयल दर्शाता है पवित्र आत्मा को। आपको पता है, जीसस जैसे क्रॉस पे मरा, उसके कुछ दिनों के बाद पेंटिकॉस का दिन आया, पवित्र आत्मा। उसने पवित्र आत्मा के लिए एक पेमेंट दे दी खुदा को, पिता ये ले खून, अब इनको ऑयल लगा। आपको पता है, आप में से बहुतों से ये बात अगर मैं पूछूंगा ना, यीशु मसीह क्यों आया, तो आप मुझे संडे स्कूल के बच्चे का आंसर देंगे, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। अधिकतर लोगों को ये बात पता रहती है, और मैं बिल्कुल भी नहीं नकारता, क्योंकि यहीं से तो हमारा उद्धार हुआ है। पर क्या आपको पता है, टाइटस के अंदर, तीतुस के अंदर एक चीज लिखी है, यीशु क्यों आया। हिंदी में बहुत डिफरेंट है, लेकिन इंग्लिश में बहुत ब्यूटीफुल है। हिंदी में लिखा गया है, उसी ने हम पर अपना आत्मा उंडेला, लेकिन इंग्लिश में लिखा है, पिता ने उसे इसीलिए भेजा ताकि वो इज़राइल को पवित्र आत्मा दे। आपको पता है, जीसस क्रॉस पे क्यों मरा, ताकि कलीसिया पवित्र आत्मा पाए। इसीलिए जैसे आदम के अंदर से हवा निकाली गई, जैसे यीशु मरा, क्या निकला वहां से, लहू और पानी। परमेश्वर जानता था उसकी कलीसिया दो चीजों से सवारी जाएगी, उसके खून और उसके लहू से, और उसके ऑयल से, उसके आत्मा से। अब यही आत्मा जो आपको मिला हुआ है, ये आपके अंदर से जानते क्यों नहीं बहता, क्योंकि हम में से बहुतों का मन जो है ना, हृदय पत्थर का है, कठोर है। कठोर मत ये मत समझना कि वो लोग लड़ाई झगड़े करते हैं, वो लोग कठोर नहीं होते। जानते हो कठोरता का एक चिन्ह क्या होता है, इन लोगों पर वचन कभी जल्दी असर नहीं करता। मेरी ये प्रार्थना है कि आज के बाद आप शांत रहो, आप थोड़ा समझो कि परमेश्वर आपको कहां कहां ब्रेक कर रहा है, ताकि वो पत्थर टूटे और आपके अंदर से वो नदियां बहे, और आपका परिवार यीशु मसीह के नाम में उधार पाए, उधार पाए। दिस इज माई प्रेयर। सब बाइबल बंद कीजिए, मैं चाहता हूं कि आप पूरा कॉन्सेंट्रेट दें ये मिनट। सब यहां देखिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सब यहां देखिए। और मरने से एक रात पहले उसने अपने हाथ में रोटी ली, खुदा बाप का शुक्र किया, और उसने ऐसा कहा, यह वो रोटी है जो कल टूटने वाली है। वो कहता है, यह वह रोटी है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है। आपको पता है, यीशु मसीह ये नहीं कहता मैं कल टूटने वाला हूं। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने से एक रात पहले भी टूटा हुआ था। जानते हो किस लिए? क्योंकि कुछ ऐसा हो रहा था जो वो चाहता था ना हो। वो जानता था कि जब वो क्रूस पे मरने के लिए जाएगा, दुनिया के पाप उस पे लादे जाएंगे, वही बाप जिसने उसके लिए कहा था यह मेरा प्रिय पुत्र है, वही बाप अपनी शक्ल उससे हटा देगा। वो जानते हो क्या कह रहा है, पिता ये प्याला हटा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह परमेश्वर के लिए एक नहीं, 1000 बार क्रूस पे मरने के लिए तैयार था, लेकिन वो पिता से एक मिनट के लिए भी उसकी संगति टूटने के लिए रेडी नहीं था। इसलिए वो कहता है, पिता मैं चला जाऊंगा मरने के लिए, पर क्या कोई रास्ता है कि मैं मरूं भी और तेरी मेरे साथ संगति न टूटे। कितने लोग हैं जो परमेश्वर के और अपने संबंध के साथ इस तरह की डिजायर रखते हैं,
जो होता है होने दो पिता, मैं तुझ में बना रहूं। और जानते हैं जैसे वो क्रूस पे गया, सर दर्द से अलग हुआ। नरक के अंदर सबसे गंदी चीज जानते हैं क्या है? कई लोग कहते हैं वहां कीड़ा है, कई लोग कहते हैं वहां पर एक नदी है जिसमें आग बहती है। मैं तुमको उससे खतरनाक बात बताता हूं नरक की। आप जानते हैं एक बार अगर आदमी वहां चला गया, वो वहां से प्रभु को कितनी भी बार पुकारे, उसकी कोई पुकार वहां तक नहीं पहुंचती। आपको पता है जब यीशु कहता है हे एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उसकी कोई पुकार वहां तक नहीं पहुंच रही थी। यू नो व्हाई? जीसस एक्सपीरियंस हेल ऑन द क्रॉस। यीशु मसीह ने क्रूस पे नरक का अनुभव किया था कि त्यागना क्या होता है। त्यागना उसके जिंदगी की सबसे बड़ी यही बात थी कि वो 6 घंटे पिता से अलग रहा। ये बात अलग है कि हमेशा हे पिता कहने वाला वहां पर कहता है हे परमेश्वर, और जब पेनल्टी पूरी हो गई अंत में वो कहता है हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। वह संबंध फिर से जुड़ गया। आज मेरी ये प्रेयर है कि आपका प्रभु के साथ संबंध जुड़े। आज मेरी ये प्रेयर है कि आप भी उसके हाथों से तोड़े जाएं। आज मेरी ये प्रार्थना है आपके लिए कि आपके अंदर से भी वो नदी बहे। आज मेरी ये प्रार्थना है कि आपका परिवार उस नदी में से पिए। तो कितने लोग हैं जो आज टूटने के लिए अपने आप को प्रभु को दे रहे हैं? टेल मी। मैंने ऑलरेडी आपको कहा जिनको पवित्र आत्मा से भरने के लिए कोई डिजायर नहीं है आप बोर होने वाले हो, लेकिन जो भरना चाहते हैं वो जानते हैं उनको क्या मिला है। ओके?